और आज हम बात करेंगे अलकजार की। आप गैस कर चुके होंगे और आपने थंबनेल भी देख लिया होगा कि अलकजार का ऑफिशियली वीडियो रिलीज हो चुका है, तो अलकजार की खबर ही देंगे आज इस अलकजार। और हुंडई अलकजार की बुकिंग ऑफिशियली तौर लॉन्च हो चुकी है। आप इसको ऑनलाइन 25,000 से बुक कर सकते हैं और ऑफलाइन जाके भी बुक कर सकते हैं। आप हुंडई अलकजार की बुकिंग ओपन हो चुकी है और ये 7-सीटर एसयूवी, इसका इंतजार काफी समय से चल रहा था सभी लोगों को। आपने इसकी वीडियो पहले भी देखी होगी कि हमने इसको 5 शॉर्ट्स के जरिए हमने देखा था इस हुंडई अलकजार को, और ये उस टाइम पे कैमोफ्लाज के अवतार में थी। और इसके अलावा आप सोच रहे होंगे कि क्या हमने सिर्फ इस छोटी सी खबर के लिए ये वीडियो बनाई है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अब इंटीरियर की कुछ इमेजेस आई हैं, वहाँ पर मैंने सोचा क्यों ना इसकी एक वीडियो बना ले और आपके साथ डिस्कस किया जाए और आपकी राय जाए इन इंटीरियर की पिक्चर्स को देखते हुए। और अगर इसके अंदर की बात करें इंटीरियर की, तो ऑफिशियली आपको हुंडई क्रेटा की याद आएगी, क्योंकि ये बिल्कुल हुंडई की क्रेटा के जैसी है अंदर से। या इसका स्टीयरिंग व्हील हो, या इसके AC विंड्स हो, या इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल हो, फिलहाल आपको ये सारे इमेज देखने को मिल रहे हैं इस वीडियो के अंदर। लेकिन जब कहानी सेकंड रो और थर्ड रो में जाती है, तो आप देख सकते हैं इसकी सेकंड रो में, और एक इंटरेस्टिंग चीज जो इसकी सेकंड रो में दिख रही है, जो मुझे एक बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है, इस हुंडई अलकजार में सेकंड रो में एक सेंटर कंसोल दिया गया है। आपने इसकी थर्ड रो देखी होगी, जिसके अंदर आपको बहुत ही डिसेंट सा स्पेस दिख रहा है, जिसमें सिर्फ दो जने ही बैठ सकते, मतलब बहुत ही ज्यादा डिसेंट तरीके से बैठ पाएंगे, क्योंकि पीछे जगह बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन जो इसकी सेकंड रो है वो ज्यादा काफी स्पेसी दिख रही है, क्योंकि जो इसकी कैप्टन सीट्स है वो काफी अच्छी दिख रही है। और अगर बात करें फीचर्स की लिस्ट की, अगर इसकी फीचर्स को देखें, तो इसके अंदर आपको 10.25 इंच का मल्टी इन्फोटेनमेंट सिस्टम डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, बोस के प्रीमियम साउंड सिस्टम, एयर प्योरीफायर, फ्रंट रो सीट बैक टेबल। और अगर हम इसके टेक्नोलॉजी की बात करें, हुंडई अलकजार में मिलने वाली टेक्नोलॉजी, तो आप देखेंगे कि वॉइस इनेबल, पैनोरामिक सनरूफ, ड्राइव मोड्स, कंफर्ट, इको एंड स्पोर्ट। और इसके अंदर मिलते हैं आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स, स्नो, सैंड एंड स्पोर्ट। और इसके अंदर आपको 64 कलर्स एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है, और हुंडई की तरफ से इसके अंदर आपको ब्लू लिंक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है। और अगर हुंडई मिलने वाले इंजन की बात करें, तो इसके अंदर आपको 2 लीटर का पेट्रोल इंजन, 6 स्पीड ऑटोमेटिक एंड मैनुअल ट्रांसमिशन, 157 bhp की पावर, 190 Nm का टॉर्क। और इसके डीजल इंजन की बात करें, तो इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का, अगर इसकी डीजल इंजन की बात करें, तो इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ। और इसकी पावर की बात करें, तो इसके अंदर आपको 14 bhp मिल जाती है और 250 Nm का टॉर्क मिल जाता है।